फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बड़ी खास किस्म की वीडियो लेके आया हूँ फल बनौला कारोबार के हवाले से। अगर हम ये शॉप लगाना चाहें, रिटेल का काम करना चाहें, आया ये काम कैसा है, तो ये भाई हैं, दोस्त हैं, एक अरसे से काम कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो बंदा ज़्यादा बेहतर जानता है जिसको इस चीज़ का तजर्बा है, जबकि हमें, हम ज़्यादा बेहतर नहीं जानते क्योंकि हमें इतना पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नासिर है। सब तो सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करना चाहता हूँ, आपने इनकी टाइम निकाला। सर वेलकम, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। अच्छा ये बताएं कि आप कितने अर्से से ये काम कर रहे हैं? ये साल मुझे हो गया, मैंने मैट्रिक के बाद शुरू किया था, आज तकरीबन मुझे 4 साल होने वाले। अच्छा मैट्रिक तक आपने फिर पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, मैट्रिक मैंने की थी सिंपल। तो उसके बाद मैंने सोचा आगे एफटेक करनी पड़ेगी, उसके बाद फायदा ही नहीं है ऐसे टाइम तय करने का पढ़ाई। सही, सही। कोई साइंस की डिग्री होती तो फिर आगे करते। हाँ। तो इसलिए कहा मैंने कहा बिजनेस ही। तो आप FSC कर लेते? FSC मुश्किल नहीं, वो जो मैट्रिक की थी ना वो मैंने सिंपल की। अच्छा अच्छा, वो आर्ट्स के साथ की थी? आर्ट्स, इसलिए आप आगे। इसलिए मैंने कहा चले, उस टाइम फिर अबू ने लगवा के दी थी। अबू ने लगवा के दी थी, तकरीबन 1.5 लाख से मैंने ये शुरू किया। आपके नज़रे में उस टाइम का और इस टाइम का क्या मार्जिन था? मार्जिन वही है जो बचत होती थी या बचत चेंज हुई? नहीं, बच्चा तो तकरीबन वही है, पहले बच्चा ज्यादा थी, पहले बच्चा ज्यादा, अब जो बचत है मुकाबला हो गया, दुकानें हो गई ज्यादा। हाँ। तो इसलिए देखा देखी बढ़ गई है। जैसे एक टाइम आया जबकि ओ लेवल बिजनेस स्कूल का प्राइवेट का नहीं था गवर्नमेंट के पास किसी भी और सेटअप में, अब प्राइवेट स्कूल आया, उन्होंने ओ लेवल ए लेवल जो है ना मुतारिफ कराया, तो सब लोगों ने स्कूल ही खोल लिए प्राइवेट के। हम भी चलाएं। अब ये हुआ कि जैसे कंट्रोल शेड का काम आया तो सब ने कंट्रोल शेड ही लगाना शुरू कर दिया, इस तरह देखा देखी चल रही है। चले आपके साथ भी ऐसा हुआ? फल की दुकानें खुल गई? पहले थी मखसूस दुकानें, थी दो थी हमारी सिटी में। सही। तो अब यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 दुकानें हैं। 20 से 25 दुकानें होती। सर ये बताएं, एक तो खा ये जो खल है ये बनता किस चीज़ से है, दूसरा ये इसका फ़ायदा क्या है? पहले तो ये बताएं कि किस चीज़ से बनता है ये? कपास के छोटे बीज से बनता है इसको। कपास के बीज यानी कि पेवे होते हैं, जो कपास का काटन होता है वो तो कपड़ों के लिए चला जाता है, और इससे जो है ना फल बनता है। दूसरा ये है कि ये इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये जानों के लिए, जानों के पेट खुराते हैं उनके लिए। अच्छा, उनकी ताकत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि वो दूध जूर वगैरह की क्वान्टिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, पीछे से आप ये कहाँ से मंगवाते हैं खल, कहाँ से मंगवाते हैं? मकामी स्तर पर जो हमारी ये फैक्ट्री लगती है कोल्डन चीज के साथ, जस्टर फैक्ट्री, वहीं से आता है। और जो असल जो इसका मरकज है ना, सही, वो है सात का बाद, वहीं से हम मंगवाते हैं। अच्छा, तो कितने की आपको ये बोरी पड़ती है? पर पर बैग में क्या प्रॉफिट है ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। वो हमें एक बोरी तकरीबन पाँच हमें मिल जाती है, कोई 1900 रुपये की। 1900 की पहुँच गई। आप कितने की सेल? यहाँ पर सेल होती है 2100, 2150 तक, 2200 के बीच सेल हो जाती है, मतलब 250-300 इसके बीच बीच ये पर थैला मार्जिन है। मार्जिन। अच्छा कितनी सेल है? कुछ सुना है 22-25 हज़ार सेल हो जाती है, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले। जी जी, आप हो जाते तकरीबन 22-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार भी हो जाते पहले। अच्छा व्यूअर, आप ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई देहात में रहते हैं और उर्दू अच्छे से नहीं बोल सकते, इसलिए वो बार बार अटक भी रहे हैं, और ये आपकी ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी है। हर बंदा जो कारोबार कर रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है कि आपको ऐसे ठका ठक जवाब देता जाए। ये क्योंकि जब हम देहाती टाइप के शहरों में, मतलब देहाती विलेज वगैरह में रहेंगे तो हम इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोल सकेंगे। तो ये भाई भी ऐसे हैं, आपने मैट्रिक कम्प्लीट कर ली थी? जी, मैट्रिक कम्प्लीट, फिर भी उर्दू आप भी बहुत स्लो है, चले आप अपनी उर्दू में इम्प्रूवमेंट लाएँ। अच्छा, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपने तो 1.5 लाख से काम शुरू किया था, अब जो एक बंदा लगाना चाहे ये काम करना चाहे तो वो कितने पैसे इन्वेस्ट करे और ये खल का काम शुरू करे? मैं तो सबसे पहले अपने भी आपके व्यूअर्स को, जितने भी हमारे मकामी लोग हैं जो हमारे जनूबी पंजाब बैठ के हैं ना, जी जी, वो ज़्यादा जोर लगाते हैं पढ़ाई में, बिजनेस की तरफ आते नहीं है। सही। तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, वो बिजनेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार करें अपना। यहाँ पर जो बड़े कारोबार हैं वो बाहर से लोग आकर हमारे इलाके में कारोबार करें, हमारे मकामी लोग नहीं कर रहे हैं। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारा इलाका है बड़ा बेहतरीन इलाका है, ज़रा इलाका है, यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर लेकर आएँ जो यहाँ पर नहीं है। सही सही, जो सारा मवाद यहीं से जाता है और फैक्ट्रियाँ वो बाहर लगी हुई हैं। देखिए भाई, ये भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जो साउथ पंजाब के जो भी भाई हैं, दोस्त हैं, वो पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे हैं, पढ़े भी सही लेकिन साथ में कोई बिजनेस भी करें, ताकि बाहर के लोगों को मौका मिल रहा है, वो यहाँ आके कारोबार कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं।
क्योंकि हमेशा बंदा सुखी वही ज्यादा होता है जो कारोबार करता है। जो तनख्वाह वाले जो मुलाजिम होते हैं वो हमेशा पूरे पूरे होते हैं, वो फंसे रहते हैं रोटी कपड़ा और मकान की तरफ ही रहते हैं। वो आगे जो है ना, जैसे जिसको बिजनेस के साथ अपनी प्रॉपर्टी कहते हैं, वो नहीं बना पाते। तो आप सर कितने पैसों से कोई हमारा व्यूअर ये काम करे खल कर, कितने कम से कम कितने पैसे हो, ज़्यादा ना बताएं, कम से कम बताएं। कम से कम आप तकरीबन 3 लाख से शुरू कर सकते हैं इस काम को। 3 लाख से ये काम शुरू कर सकते हैं जी। 3 लाख अच्छा, से आप सही जो मरकज है ना साथ का पास, जो आप वहीं से टैक्स लगवा लें सही, तो वो मार्केट सब मिलता है, वो फिर उनका रेट भी ठीक होता है। अच्छा सही चले सर, शुक्रिया मेहरबानी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। तो व्यूअर को मिल करता हूँ, आप लोगों को ये छोटा सा बिजनेस स्मॉल टिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक करें अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।